आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा। आजमगढ़ जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़, सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य सवर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया जिले में मतदान मतगणना से 48 घंटे पूर्व की अवधि में देसी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल साहब, भांग ताड़ी आदि की दुकानें रहेंगी बंद। बलिया लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य की सीमाओं से लगे उत्तर प्रदेश राज्य के जनपदों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में तथा मतगणना दिवस दिनांक 4 जून 2024 को मदा निषेध दिवस घोषित किया जाता है। जिलाधिकारी बलिया रविंद्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश अबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 तथा अबकारी विभाग के विभिन्न सुसंगत नियमावलियों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु लोक शांति बनाए रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न मतदान कराए जाने के उद्देश्य से जनपद बलिया में मतदान 1 जून 2024 दिन शनिवार को मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व 30 मई 2024 को समय सायं 6 बजे से 1 जून को समय 6 बजे तक या मतदान समाप्त होने तक मतगणना दिवस 4 जून 2024 दिन मंगलवार को देसी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल साहब, भांग ताड़ी एवं बार सहित अन्य सभी आबकारी अनुज्ञापन की थोक एवं फुटकर दुकानें से बिक्री पूर्णतया बंद रहेंगी। उस उक्त अवधि में किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरा, क्लबों से सैन्य कैंटीन और शराब बेचने तथा वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को शराब बेचने तथा पेश करने की अनुमति नहीं होगी। जनपद बलिया की सीमा में आने वाले समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी दुकानों से मादक वस्तुओं की बिक्री को पूर्णतः बंद रखा जाता है। उपरोक्त बंदी के लिए अनुगापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल अथवा छूट देर नहीं होगी। इस आदेश का 100% अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। न्यूज 9 भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। का भाव है हमारे चंद्रशेखर के नाम पे जो विश्वविद्यालय आदि अखिलेश यादव जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मैंने काम किया था वो भी अधूरा है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज दिया गया था वो भी अधूरा है। सरजू नदी पर दोनों पुल अधूरे हैं, गंगा नदी के दोनों पुल अधूरे हैं। इन सबको पूरा करना मेरी प्राथमिकता होगी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बलिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई ऐसा अस्पताल भी नहीं है जिसमें आप छोटे लोगों का इलाज कर सकें। बलिया के मान सम्मान के लिए बलिया को जो है मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से कार्यकाल में देने का। आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी के अपूर्ण जो कार्य हैं उसको करवाने के लिए, लेकिन चंद्रशेखर जी के ही पुत्र आपके सामने खड़े हैं। चंद्रशेखर जी के पुत्र जब तक समाजवादी थे तब तक उनको अपने पिता की चिंता सताती थी। जब पिता के सिद्धांतों से भटक गए तब चंद्रशेखर जी को अधूरे काम पूरा नहीं करवा सकते। उनको जिस दल में है, जिस दल से चुनाव लड़ने आए हैं, उनका 5 वर्ष का कार्यकाल बीत गया। वो अगर अपने देश, अपने पिता समाजवादी चंद्रशेखर जी के प्रति इतने ही उनके प्रति भावना होती तो प्रदेश में सरकार है और केंद्र के बीच सरकार है, ये हमारे सारे अधूरे काम आज तक पूरे हो गए। बसपा प्रत्याशी का कहना है कि भाजपा का और सपा की खटिया खड़ी हो गई है विरासत। बिल्कुल वो सही कह रहा है, वो गलत बोल ही नहीं रहे हैं। बस सब थोड़ा वो नाम का हेर फेर हो गया है। नाम जो लेना चाहते थे वो ले नहीं पाए, उनको याद ही नहीं आया कि मैं किस दल का उम्मीदवार हूँ। तो जो विपक्ष है उससे याद रहता है, खराब बात याद रहती है ना, बढ़िया बात याद नहीं रहती। प्रधानमंत्री मंदिर को धुलवाया गया है उसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, तो मंदिर जो अखिलेश जी के विजय से अखिलेश जी के
अखिलेश जी ने एक मंदिर का वाल्मीकि मंदिर का विजिट किया था, उस अखिलेश जी के आने के बाद उस मंदिर को धुलवाया गया। देखिए जो देश में सरकार है ना, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है साथ में। जिस मुद्दे के लिए को राजनीति करने आए थे लोग, जिस घोषणा पत्र के साथ 2014 में आए, उसमें एक भी काम बता दीजिए जिसको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। वो भारत के संविधान के प्रति ही उनकी जिम्मेदारी नहीं बन पा रही, भारत के संविधान को खराब बनाकर रखती है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आपकी आएगी, क्या काम कर? उत्तर प्रदेश में 80-80 सीटें आ रही है। हर जगह भारत भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त हो रही है और गठबंधन। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।